गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा। टुडे वी स्टार्ट टू रीडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9, द वर्ल्ड ऑफ द एनिमल। डू यू नो व्हाई सम एनिमल प्रिफर टू लिव इन ग्रुप्स? क्या आप जानते हैं कि कुछ एनिमल जो है ग्रुप में रहना क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? दे हैव सेवरल रीजन फॉर स्टेइंग इन ग्रुप। उनके पास बहुत सारे ऐसे रीजन है जिसके कारण वो ग्रुप में ही झुंड में रहना पसंद करते हैं। सम ऑफ द रीजन्स आर, कुछ रीजन इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन, टू स्टे प्रोटेक्ट, मतलब वो क्या है, अपने आप को प्रोटेक्ट, सुरक्षित महसूस करते हैं, सुरक्षित रहने के लिए वो ग्रुप में रहते हैं। वीक एनिमल्स विच आर प्रे टू अदर एनिमल यूजुअली मूव इन ग्रुप। कमज़ोर जानवर जो कि बहुत जल्दी शिकार हो जाएं दूसरे एनिमल का, वो यूजुअली कहाँ रहते हैं, ग्रुप्स में। विद इन द ग्रुप दे फील सेफ, ग्रुप में वो अपने आप को सेफ, सुरक्षित महसूस करते हैं। डियर, ज़ीब्रा, मैनी टाइप ऑफ स्मॉल फिशेस एंड बर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एग्जाम्पल्स, मीन्स छोटी मछलियाँ, बर्ड्स जो है, ज़ीब्रा और डियर, इस तरह के इसके एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। टू सर्च फॉर फूड, फूड की सर्च के लिए एनिमल्स लाइक वोल्स हंट इन ग्रुप। एनिमल्स मतलब जो वोल्स मतलब क्या होता है, भेड़िया, वो ग्रुप्स में रह के शिकार करते हैं। दे हेल्प ईच अदर इन हंटिंग देयर प्रे, वो ग्रुप में रहकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं शिकार के लिए। प्रे मीन्स शिकार। टू लुक आफ्टर द यंग वंस, मतलब अपने यंग वंस मीन्स बच्चों की देखभाल करने के लिए। अ ग्रुप ऑफ एनिमल यूजुअली has many young ones and a few parents to look after them. A group में जो animals होते हैं उनमें बहुत सारों के बच्चे रहते हैं और उसमें से कुछ parents जो रहते हैं वो बच्चों की देखभाल करते हैं। The young ones are taken care of by their elder in group. जो उनके बच्चे रहते हैं, young ones रहते हैं, उनकी देखभाल कौन करता है, group के जो elders means बड़े होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं। For example, ओल्ड एलिफेंट टेक केयर ऑफ बेबीज एलिफेंट, ओल्ड एलिफेंट जो सबसे बुजुर्ग एलिफेंट होगा वो बाकी के जो बेबी एलिफेंट होता है सबकी देखभाल करेंगे। टू बिल्ड शेल्टर, शेल्टर मीन्स आश्रय, रहने की जगह बनाने के लिए। लिविंग इन ग्रुप हेल्प एनिमल टू फाइंड अ शेल्टर और बिल्ड शेल्टर, ग्रुप में रहने से एनिमल्स को क्या होती है, हेल्प मिलती है अपने लिए आश्रय या रहने की जगह ढूंढने में और बनाने में। तो दीज आर द फ्यू रीजन व्हाई दे वॉन्ट टू लिव इन अ ग्रुप। डू यू नो एनी एनिमल दैट मेक देयर शेल्टर, आप कोई ऐसे एनिमल्स जानते हैं जो उनके लिए शेल्टर में रहने की जगह बनाते हैं? मैनी एनिमल्स लाइक आंट, स्पाइडर, हनी बीज, वेब्स, रैबिट एंड बीवर्स बिल्ड देयर शेल्टर। ये वो कुछ एनिमल्स की नेम है जो अपने लिए शेल्टर मीन्स रहने का घर या जगह बनाते हैं। बर्ड्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले इट, बर्ड्स जो मतलब पक्षी रहते, चिड़िया जो रहती है वो अपना घर कब बनाती है, जब नेस्ट मीन्स घोंसला, वो अपना घोंसला कब बनाती है, जब वो अंडे देती है। स्टूडेंट, दीज आर द सम पिक्चर्स ऑफ सम एनिमल दैट दे मेक देयर शेल्टर। दिस इज अ आंट हिल, मीन्स आंट मीन्स चिड़िया, बनाती है ना अपने लिए होल, ऐसे हिल टाइप का बना लेती है वो। स्पाइडर्स वेब, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, अपना जाल बनाती है। बीव्स फर ऑफ हनी बी, मधुमक्खियाँ जो अपना छत्ता बनाती हैं। वेब्स हाउस, रैबिट्स बर्रो, बीवर्स हाउस, ये सब एनिमल्स के क्या हैं, शेल्टर या होम है जो वो खुद के लिए तैयार करते हैं। इंसेक्ट ऑल्सो शो सोशल बिहेवियर, इंसेक्ट क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, वो क्या होते हैं, अपना सोशल बिहेवियर शो करते हैं। सम एनिमल्स सच एज आंट, बी एंड टर्माइट्स लिव इन लार्ज ग्रुप और कॉलोनी। आंट, बीज और जो टर्माइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत बड़े ग्रुप्स में या कॉलोनीज में रहते हैं। अ कॉलोनी ऑफ आंट फॉर एग्जाम्पल मे कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड और हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ आंट, मतलब एक कॉलोनी जो रहेगी आंट की, मीन्स चीटियों का जो एक झुंड रहता है उसमें क्या हजार या लाखों तक चीटियाँ साथ में रहती हैं।
सी हियर दिस इज अ पिक्चर ऑफ ग्रुप ऑफ एंट्स एंड दिस इज ग्रुप ऑफ बीज, जिसमें बहुत सारे थाउजेंड टू हंड्रेड ऑफ थाउजेंड एंट्स या बीज जो है साथ में रहती है एक कॉलोनी के रूप में. इन एन एंट कॉलोनी ईच मेंबर हैज अ स्पेसिफिक जॉब टू कैरी आउट. एक जो कॉलोनी रहती है एंट की कॉलोनी, उसमें हर मेंबर मींस हर चींटी का एक स्पेसिफिक जॉब होता है. सम एंट डिफेंड द कॉलोनी एंड अटैक अदर कॉलोनी. सम एंट जो थी, कुछ चींटियां क्या रहती हैं, अपने घर की अपनी कॉलोनी की रक्षा करती हैं और दूसरी कॉलोनीज पे अटैक करती हैं. दे आर कॉल्ड सोल्जर्स. उनको क्या कहा जाता है, सोल्जर्स. सम एंट लुक फॉर फूड एंड फीड द मेंबर ऑफ द कॉलोनी. कुछ जो रहती हैं वो फूड के लिए इधर उधर जाती हैं और सम क्या करती हैं, फीड करवाती हैं मेंबर ऑफ द कॉलोनी. जो उनकी कॉलोनी के मेंबर्स रहते हैं, मतलब छोटी जो चींटियां रहती हैं, उनको फीड करवाते हैं. दे आर कॉल्ड वर्कर्स. उनको वर्कर कहते हैं. द क्वीन एंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ले एग्स. जो क्वीन एंट रहती है, मीन्स रानी होती है चींटियों की, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ले एग्स करना, मीन्स अंडे देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. नाउ रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल रीड इन अवर नेक्स्ट क्लास. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.